प्रणाम दोस्तों, आज योग का तीसरा दिन है और आज हम इस वीडियो में वज्रासन सीखेंगे। वज्रासन जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हम इस आसन में पांव की जंघाओं को वज्र के समान कठोर बनाकर बैठते हैं, इसलिए इस आसन को वज्रासन कहते हैं। इस आसन को एक और वजह से वज्रासन कहते हैं, हमारे गुदा और अंडकोश के बीच जो नाड़ी है, उस वज्र नाड़ी, उस पर दबाव पड़ता है इसमें, इसीलिए इसको वज्रासन कहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लाभ बता देता हूं आपको। इसके लाभ, भोजन पचाने में ये आसन बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और इसको भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। जिनको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, पेट में प्रॉब्लम है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, उनको भोजन करने के 5 से 10 मिनट तक इस आसन को जरूर करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे पांव फैलाकर बैठ जाना है, जैसा नॉर्मल अपन अभी तक बैठते हुए आए, है ना। ऐसा बैठने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ से इसको मोड़ना है पांव को, और इसका अंगूठा जो है ये यहाँ से अंगूठा पकड़कर इसको मोड़कर ऐसे पीछे ले जाना है और इसको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी मोड़ेंगे अपन, ये यहाँ से, और इसको ऐसे रख लेंगे, और इन जंघाओं को वज्र के समान आपको कठोर करना है, और दोनों हाथ को ये यहाँ पर घुटनों पर रखना है। तो भोजन के पाचन में बहुत ही शानदार है ये आसन। भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट तक इस आसन को जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको इसके पीछे की पोजीशन भी बता देता हूँ कि ये आपको किस प्रकार से रखना है अपने पाँव को। देखिए, ये इस प्रकार से, ये है ना, ये दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे और एड़िया खुली हुई, ये इस प्रकार से। और शुरुआत में 3 से 5 मिनट तक आप जरूर प्रयास करें इसका। तो इससे भोजन का पाचन ठीक हो जाता है। तो यह आसन भोजन के पाचन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अलावा किसी को गले के रोग रहते हैं, जैसे टॉन्सिल होता है बार बार, या फिर छाले हो रहे हैं, तो इसी पोजीशन में एक अभ्यास करने की और सलाह दी जाती है, जिसको सिंहासन कहते हैं, है ना। सिंहासन आपने किया होगा, इसी कंडीशन में पाँव को थोड़ा फैला के इस प्रकार से बैठ के, और जीभ को पूरा बाहर निकाल कर शेर की तरह दहाड़ना होता है ऐसे आगे आकर। तो जिसको गले के रोग रहते हैं, गले में टॉन्सिल ज़्यादा होते हैं, वो सिंहासन भी जरूर कर लें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।